हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल फिल्मी सेंट्रल में। जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आ चुका है दोस्तों। मेरा मतलब हमें मिल चुका है इंडिया का अगला इंडियन आइडल। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और हमें मिल चुका है इंडियन आइडल 11 का विनर। और इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे इंडियन आइडल 11 के विनर से। आपको बता दें कि इंडियन आइडल 11 का ग्रैंड फिनाले हुआ बहुत ही धमाकेदार तरीके से, जहां ग्रैंड फिनाले में बहुत ही टक्कर का मुकाबला हुआ टॉप 5 फाइनलिस्ट के बीच। और वो थे अदरीश घोष, रिदम कल्याण, रोहित श्याम रावत, सनी हिंदुस्तानी और अंकोना मुखर्जी। इन टॉप 5 फाइनलिस्ट के बीच हुआ इंडियन आइडल 11 का ग्रैंड फिनाले बहुत ही धमाकेदार तरीके से। इस ग्रैंड फिनाले में हमें काफ़ी सारे स्पेशल सिंगिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिले, जिसने इंडियन आइडल 11 के ग्रैंड फिनाले का मज़ा और भी बढ़ाया। उसके बाद हुआ इंडियन आइडल 11 के विनर का नाम अनाउंस, और इस विनर को आप लोगों ने ही सबसे ज़्यादा वोट्स देकर जिताया है। तो फ्रेंड्स, जिस कंटेस्टेंट ने पब्लिक से सबसे ज़्यादा वोट्स पाकर इंडियन आइडल 11 का खिताब जीता है वो है शो के पॉपुलर कंटेस्टेंट सनी हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल 11 के ग्रैंड फिनाले में सभी कंटेस्टेंट्स के सिंगिंग परफॉर्मेंसेस के बाद पब्लिक वोटिंग रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें 21 साल के पंजाब के रहने वाले सनी हिंदुस्तानी को पब्लिक से सबसे ज़्यादा वोट्स मिले और सनी हिंदुस्तानी ने इंडियन आइडल 11 का खिताब जीत लिया है। वही शो के बाकी कंटेस्टेंट्स रहे इंडियन आइडल 11 के रनर अप। सनी हिंदुस्तानी को इंडियन आइडल 11 के विनर होने की वजह से मिली इंडियन आइडल 11 की चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी और 25 लाख रुपए। हम हमारे चैनल फिल्मी सेंट्रल की तरफ से सनी हिंदुस्तानी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रिजल्ट के बारे में? क्या आप इस रिजल्ट से खुश हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ये भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इंडियन आइडल 11 का विनर कौन होना चाहिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी ऐसे रियलिटी शो से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।